देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने भारत में 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए मजदूर फंस गए, जिनको वापस लाने के लिए अलग अलग जगह से कई रेल चलाई जा रही हैं, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 1220 मजदूरों को लेकर बाराबंकी पहुंची, जिसमें 510 बाराबंकी के रहने वाले हैं। जब रेल द्वारा प्रवासी अपने घर पहुंचे तो उनकी आंखें नम हो गईं और सभी मजदूरों ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। तेलंगाना से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पहुंची, जिसके बाद प्रशासन ने सभी की जांच पड़ताल करने के साथ ही सभी का विवरण भी प्रशासन ने सुरक्षित कर लिया है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में रहने के लिए जागरूक भी प्रशासन ने किया है। श्रमिक सुरक्षा अपने गृह जनपद अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने ही की है। सभी मजदूरों को अपने अपने जिलों में भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की है। किराया कुछ भी नहीं लिया, खाना पानी कोई भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी सर। बस प्रॉब्लम कोई भी नहीं हुई, बस घर आने की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। सरकार ने की जो भी किया बहुत ही अच्छा काम किया और हम उनको थैंक्स करते हैं और हम बहुत खुश हैं अपने घर आके। हमें हरदोई जाना है, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके अपने लोगों से मिलकर। देखिए अब कल से हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है, बाराबंकी में पहली ट्रेन कल आ रही है, लगभग 1220 लोग आ रहे हैं और ये मुख्यतः इसमें लगभग 450 लोग हमारे बाराबंकी जनपद के हैं, कुछ 250 के आसपास हरदोई के हैं और शेष जो हैं वो सब लखनऊ के हैं। तो वही पूरी तैयारी की जा रही है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सभी को हम लोग ये सुनिश्चित करके कि जो हमें सूची मिली उसके अनुसार हैं या नहीं है और फिर इनको सुरक्षित इनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग भ्रमण के लिए आए हुए हैं, जिलाधिकारी और मैं पूरे मजिस्ट्रेसी और पुलिस के साथ यहाँ पर हैं ये व्यवस्था देखने के लिए। मानक के अनुसार प्रत्येक बस में सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे और यहाँ भी पर्याप्त पुलिस बल होगा लोगों को तरतीबवार बैठाने के लिए। हम संवेदनशील रहेंगे ऐसे लोगों के साथ, लंबी यात्रा करके एक मानसिक त्रासदी के बाद वो आ रहे हैं तो हम जितनी सहूलियत उनको यहाँ दे सकते हैं वो देंगे। इसके अलावा जितनी भी बसेस जा रही हैं उनको प्रॉपरली सैनिटाइज कराया जाएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके घर तक भेजा जा सके। मैं पुलिस एवं प्रशासनिक जो है सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद हैं और इनको सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थलों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और उनमें पर्याप्त जो है सुरक्षा की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त इनके जो आवश्यक चीज़ें हैं, पानी की व्यवस्था है या ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है या नित्य कर्म से संबंधित, तो वो सारी भी व्यवस्थाएँ की गई हैं जिससे कि अपने अपने डेस्टिनेशन को सफल पहुँच सके। किस तरह से इनकी पहचान हो रही है और किस तरह से जनपद वाइज इनको अलग किया गया है? ये पूरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म में खड़ा करके और जो है सभी बोगी के सामने हमारे सुरक्षाकर्मी और अनेक कर्मी खड़े हुए हैं। माइक के द्वारा पीए सिस्टम के माध्यम से सभी को अनाउंसमेंट करके और अलग अलग रूट की अलग अलग जो है बसें खड़ी की गई हैं। जिस रूट से संबंधित लोग हैं वो संबंधित बसों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में बैठेंगे। आपको बता दें लखनऊ हरदोई जिले के मजदूरों को बसों के द्वारा रवाना किया गया है। जिला प्रशासन उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जनपद और उनके गांव पहुंचा रही है। आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन में दूसरे राज्यों से बाराबंकी जनपद आने को लेकर कल सुबह से ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था। मौके पर डीएम और एसपी खुद कल से ही रेलवे स्टेशन पर किए गए व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।